सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम लेकर के आए हैं एक कैसेट, जो कि इसका उपयोग 30 साल पहले किया जाता था किसी मूवी और ऑडियो वीडियो को स्टोर करने के लिए। वैसे तो आजकल अपना लोग किसी मेमोरी कार्ड और हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हैं। तो गाइस, आज इसके साथ हम करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट, जो कि आज इसको हम बनाने वाले हैं बैलून, और इसको हम फुलाएंगे भी बैलून की तरह। तो यार, बिना देरी के हम करते हैं शुरू। तब तक आप कर दो इस वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। शुरू करते हैं। गाइस, इसको बैलून बनाने से पहले इस कैसेट को हम कर लेते हैं दो पार्ट में। सबसे पहले तो कुछ इस तरह कर लेते हैं, और ये देखो भाई, और ये देखो भाई, दो भाग में ये डिवाइड हो गया है। और इसको हम कर लेते हैं हीट, जो कि इस लाइटर की मदद से इसको हम हीट कर लेते हैं। और ये देखो, थोड़ा सा बन गया गाइस, थोड़ा सा बैलून बना है। अब इसको बनाते हैं बड़ा वाला। तो ये देखो, यहाँ से बनाते हैं इसको। ये देखो गाइस, कितना बड़ा बना ये। अरे भाई, ये चिपक गया गाइस। इस कैसेट में बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो ये देखो, इसमें बना के आपको दिखाते हैं। और ये देखो गाइस, ये देखो किस तरह का बना। अरे भाई, एक और बनाते हैं यहाँ पे। ये देखो गाइस, और बनाते हैं भाई। अरे भाई, ये देखो कितना बड़ा बना। दिखाई दिया भाई कितना बड़ा बना। तो गाइस, आपने देखा किस तरह से हम कैसेट को बैलून बनाते हैं। सबसे पहले तो कैसेट को दो भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। जिस तरह ये कैसेट है, इसको हम दो भाग में डिवाइड किए, और निचले वाले हिस्से को हम किसी लाइटर या किसी माचिस के मदद से हम उसको हीट कर देते हैं, और उसके बाद फूकने के बाद वो बैलून का आकार ले लेता है। तो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।